आप दोनों विद्वानों से मेरा ये जानना है कि लोक साहित्य क्या लोगों की कहानी वो लोक साहित्य लोक भाषा में लिखी गई चीज़ें लोक साहित्य हैं इन दोनों को लेकर कन्फ्यूज़न है अगर लोगों का साहित्य लोगों की कथा ही है तो फिर रामायण में भी तो जब राज परिवार छोड़ के जंगल में जाते हैं राम तो वो तो लोगों के बीच रहते हैं तो उसको भी क्या हम लोक साहित्य के उसमें रखेंगे देखिए ये प्रश्न बड़ा अच्छा है और थोड़ा घुमा देता है सारी बहस को लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रामायण में लोक तत्व और साहित्य की अन्य विधाओं में लोक तत्व कथा तत्व नाटक तत्व काव्य तत्व और तमाम तरह की जो विधाएँ हैं हमारे औपन्यासिक तत्व को लेकर के भी बात की जा सकती है ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो कविता का जन्म ही कथा कहने के लिए हुआ है क्या जितनी कविताएं हैं आज तक आपने पढ़ी हैं और पढ़ेंगे उनमें कथा कही गई है रामायण में वाल्मीकि रामायण में कहानी कही गई है तो कहानी कहने के लिए सारे उपाय रचे गए हैं कहानी कहना बड़ी भारी बात है लेकिन केवल कहानी कथा साहित्य को नहीं कहते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काव्य है वो काव्य तत्व कथा में भी है नाटक में भी है और उपन्यास में भी है कई शैलियों कई शिल्पों में बंधा हुआ है काव्य तत्व काव्य तत्व कविता में ज़्यादा बताया जाता है और होना चाहिए होता है अगर नहीं है तो उसे लोग कविता भी नहीं मानते निरा गद्य मानते हैं तो आज की कविता जैसे गद्य फॉर्म में लिखी जा रही है उसमें भी आंचलिकता है उसमें भी कविता में भी संगीत है उसके शब्दों को देखिए आधुनिक कवियों ने भी संगीत को ईजाद किया अपनी भाषा में लेकिन उसको आप इस तरह से देखना चाहें कि भीमसेन जोशी अगर उसको गाएंगे तो गा पाएंगे कि नहीं गा पाएंगे ये गायकों की सीमाएं हैं कि गायक उसको गायक किसी भी शब्द को गा सकता है एक घंटे तक गा सकता है गाए न किसी पंक्ति को एक हमारे कवि हुए हैं शमशेर बहादुर सिंह उन्होंने उन, और रघुवीर साय ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं कि मंच पर एक टुकड़ा लिया किसी गद्य कविता का और उसको गा दिया तो गाया जा सकता है क्या चीज़ है जो गाई नहीं जा सकती गाने की मनाही नहीं है सवाल ये है कि उससे संगीत की वृद्धि हो रही है या कथा साहित्य की वृद्धि हो रही है या उपन्यास की वृद्धि हो रही है वो कौन सा तत्व है जो हमको उसमें से प्राप्त हो रहा है इसकी छानबीन होनी चाहिए उषा जी आपसे जानना चाहूँगा कि लोक गीतों का साहित्य ये अगर पुरुषों ने भी लिखा है तो महिलाओं की जो मानसिकता है जो सोच है जो उनकी साइकोलॉजी है उसको उन्होंने शामिल किया है और महिलाओं ने तो अपना दुख दर्द अपनी भावनाएं सारे लोकगीत में उड़ेली हैं अगर उनकी चाहे विरह भावना हो या उनके लोक परलोक की भावना हो आध्यात्मिक भावना हो सारी चीज़ों को उन्होंने निचोड़ के रख दिया है उस लोक संगीत में लोक गीत में जो अब साहित्य का हिस्सा बन गया है कैसे महिलाएं बहुत बड़ी संरक्षण करता हैं और वो जो कि बाहर का काम जिस समय बंटवारा हुआ होगा काम का पहले तो जाहिर है कि स्त्री और पुरुष एक साथ काम करते थे एक ही काम करते थे किसी की सत्ता नहीं थी <coughs> लेकिन जब काम का बंटवारा हुआ तो स्त्रियों ने जब घर संभालना शुरू किया बच्चों को देखना शुरू किया और पुरुष बाहर की ओर जाने लग गए तो उस समय स्त्रियों के साथ ये बात हुई कि वो ज़्यादा ध्यान देने लगी विषयों पर अब आप ये इतना तो है कि ज़्यादातर जो प्रेम की भाषा है प्रेम के गीत हैं वो पशु और पक्षियों में जो पुरुष होता है वो गाता है जो उसमें मादा चिड़िया है वो नहीं गाती है उनको आकृष्ट करने के लिए पुरुष चिड़िया या पुरुष जानवर ही उसको आकृष्ट करता है का भी ऐसे ही होता सब है। सब, सब कोई सारे सारी कोयल भी अच्छा, सारी सारी मा, मादा नहीं पुरुष लेकिन स्त्रियों में गायन मादा ने शुरू किया तो ये जो ये शुरुआत हुई तो मनुष्य में सिर्फ नर जाति ऐसी है या नर प्रजाति ऐसी है जो मनुष्य हैं हम लोग हाँ, उसमें मादाएं गाती हैं हैं बाकी सब जगह नर नर गाते हैं। नर गाते क्या बात और यहाँ मादाएं गाती हैं तो मादाएं आप देखिए जो पुरुष जो थे वो बाहर से लकड़ी लाए काटके या बाहर का जितना भी धीरे धीरे जैसे व्यापार बढ़ा लकड़ी काटने और शिक्षा के बीच में बहुत बड़ा गैप है जो व्यापार बढ़ा तो वो जो व्यापार बढ़ा उसमें तो पुरुष ज़्यादातर बाहर होते थे और दिन भर स्त्रियाँ घर का काम खेत का काम जानवरों के साथ रहने वाला काम वो करती थी तो उनके जीवन में जो कुछ होता था जो वो कहेंगी कहने की फुर्सत भी उनको थी घर में जो होगा वो काम करते हुए उसको फुर्सत होगी और उस फुर्सत में अपने दुख दर्द को अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्त्रियों ने बहुत सारे काम किए जैसे गीत गाए कथाएं अपने बच्चे को बहलाने के लिए कथाएं सुनाई और बहुत सारी जगहों पर जैसे चित्र बनाए बहुत जगह है जैसे हमारे यहाँ मिथिला में चित्र बनाती हैं वो चित्र में पूरी की पूरी कथा कह के चली जाती हैं जो आपको लोग गीत में सुनाई देगा आप चाहे तो किसी चित्र को रिलेट कर सकते हैं उससे उसके बाद धीरे धीरे जब पुरुषों को समय हुआ जैसे चौमासा में चौमासा चा चार महीना आप शहर वाले शायद न जानते हों बरसात के समय में खेती हो के चुकी होती है और लोग बैठते हैं घर में सारा इंतज़ाम कर लेते हैं उस चार महीने में वो दो ही चार काम कर सकते हैं या तो रस्सी बाँटेंगे बैठ के आगे के लिए या गाथाएं गाएंगे या कुछ करेंगे इस तरह का मनोरंजन वही है मनोरंजन तो प्राचीन काल से मनोरंजन लोक गाथा जो शुरू हुआ वो स्त्री और पुरुष दोनों को मिला कर वो अक्सर पुरुषों ने किया गाथाएं है गाथाएँ जो हैं जिसमें लंबी लंबी कहानियाँ हैं <coughs> और गीत हैं जीवनचर्या है ये लोक गाथाएँ पुरुषों ने किया और गीत स्त्रियों ने गाया ये बहुत ही शुरू से हो रहा है और ये सारा वाचिक ही परंपरा ये लिखित नहीं है बाद में लिखित होने लग गया लिखित परंपरा अभी भी आप अगर ढूंढने जाएं तो आपको हजारों की संख्या में गीत और इस तरह की कविताएं कथाएं और गाथाएं गांव से मिलेंगी जो अब लुप्त तो हो रही हैं तो आधार ये है स्त्रियों का और पुरुषों का लोक से जुड़ने का और लोक के संबंध में रचना करने का okay